दरअसल जो पानी की टंकी से लेकर रेड एंड टेलर की दुकान से होते हुए बड़ा गांव के लिए रोड जाता है, गैस गोदाम होते हैं, तो जहां तक रेड एंड टेलर के सामने की जो रोड है, ये जो रोड जा रही है, वो लोक निर्माण विभाग खंड 4 की सड़क है और उस पे नीचे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और उन गड्ढों को भरने के लिए और सड़क को बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड को भी निर्देशित किया गया है और उसके साथ ही उसके जो किनारे किनारे नालियां हैं वह पुराने जमाने की नालियां हैं जो कि लगभग नाली कच्ची नाली थी। अब 14वें वित्त में लगभग 28 लाख रुपए की लागत से एक नाला प्रस्तावित है और जो कि नगर पालिका की सीमा जहां से शुरू होती है वहां से पानी की टंकी होते हुए मिल नाले में जोड़ने के लिए एक नाले का निर्माण होगा और वो कार्यदायी संस्था को उसे वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है और वो कल से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सीतापुर में पहली बरसात के चलते मोहल्ला मुंशीगंज के नागरिकों की समस्या जलभराव बहुत ही बड़ी थी। वहाँ छुटपुट बारिश में ही जलभराव होने लगा था। आई इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से जब दिखाया तो जिलाधिकारी ने इस मामले को संज्ञान लिया, जिसके चलते जिलाधिकारी ने नगरपालिका प्रशासन को 28 लाख रुपए की 14वीं वित्त योजना के तहत धनराशि दी है। अब देखना यह है कि इस धनराशि से क्या वहां के विकास हो पाएगा या फिर यह सिर्फ कागज में ही सिमट जाएगा। आई इंडिया के लिए बबलू सिंह चौहान के साथ निशांत गुप्ता।